हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल 2023 समाप्त हो चुका है और एसएससी सीजीएल रेलवे बैंकिंग एमटीएस जैसे एग्जाम्स में यहां से अब क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं। देखिएगा, आपको हर शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या क्या इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिए, आईपीएल 2023 जो है इस बार कौन सा संस्करण था अगर ये पूछा जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा इस बार 16वां संस्करण था। कौन सा था? 16वां संस्करण था। टोटल मैच कितने हुए? 74 मैच इसके अंदर टोटल खेले गए थे। कुल कितनी टीमें थी? तो याद रखिएगा 10 टीमों ने खेला। इसका प्रायोजक कौन था? तो प्रायोजक जो है इस बार टाटा ग्रुप था, ठीक है। इसके बाद जो है ये कब शुरू हुआ, यानी पहली बार आईपीएल कब खेला गया? तो 2008 के अंदर पहली बार जो है आईपीएल खेला गया। भारत में ये इस बार आयोजित हुआ और याद रखिएगा इसका जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच खेला गया, ठीक है, गुजरात और सीएसके के बीच में। गुजरात के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। और सीएसके के कैप्टन कौन है? एमएस धोनी, ठीक है, यानी महेंद्र सिंह धोनी। जीता कौन भाई? जीता इस बार सीएसके ने, चेन्नई ने जीत लिया। और याद रखिएगा चेन्नई ने टोटल 5 बार जो है आईपीएल का खिताब जीता है, 2010 के अंदर, 2011 के अंदर, इसके बाद आपका 2018, 2021 और 2023 के अंदर इन्होंने जीता था, ठीक है। 2022 का किसने जीता था? गुजरात ने, जो इस बार रन अप रही है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिलते हैं? 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। और जो सेकंड नंबर पर टीम रहती है उसे जो है 13 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा है? तो आप सभी को पता है सैम करण जो हैं वो क्या हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 18.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए। पंजाब की टीम ने इनको खरीदा था। इसके बाद याद रखिएगा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का किताब किसे दिया गया है? तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का जो किताब है ये दिया गया है यशस्वी जायसवाल को। और इसके बाद गेम चेंजर ऑफ द सीज़न, क्या गेम चेंजर ऑफ द सीज़न किसे दिया गया है? शुभमन गिल को, ठीक है, शुभम गिल को दिया गया है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्या है? गेम चेंजर, ठीक है, ऑफ द मैच कौन का रहा? तो याद रखिएगा साई सुदर्शन। फाइनल मैच में साई सुदर्शन को जो है गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा है? तो याद रखिएगा शुभम गिल जो हैं ये क्या हैं? सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं। इसके बाद अगला, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द, यानी मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? ये दिया गया था डी कॉनवे को, ठीक है, किसको दिया गया था? डी कॉनवे, ठीक है, डेविन कॉनवे इनका पूरा नाम है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा? तो साई सुदर्शन जो है, जो कि गुजरात से हैं, ये इन्होंने, क्योंकि इन्होंने 96 रन बनाए थे, जबरदस्त बैटिंग करी थी पर जीत नहीं पाई गुजरात, ठीक है। और इसके बाद कैच ऑफ द सीज़न, यानी कि इस सीज़न का सबसे ज़बरदस्त कैच किसने लिया? राशिद खान ने। किसने? राशिद खान ने। किस टीम से हैं? तो याद रखिएगा गुजरात की टीम से हैं। इसके बाद स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न का किताब किसे मिला है? ये जो मिला है ये हमारे ग्लेन मैक्सवेल को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या है 2023 का जो आईपीएल है इसमें सबसे पहली सेंचुरी किसने मारी थी? तो हैरी ब्रूक ने मारी थी। किसने मारी? हैरी ब्रूक ने मारी थी। और आईपीएल के 250 मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? तो भैया एमएस धोनी। इसके बाद ऑरेंज कैप का विनर कौन रहा? ऑरेंज कैप का जो विनर है वो शुभम गिल हैं, जिन्होंने 890 रन बनाए टोटल। और इसके बाद पर्पल कैप का विजेता कौन रहा है? तो मोहम्मद शमी जो हैं पर्पल कैप के विजेता रहे, इनके टोटल 28 विकेट थे। भैया आईपीएल करवाता कौन है? आईपीएल करवाती है बीबीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई करवाती है, जिसको बनाया कब गया था? 1928 में जो है ये बनी थी। इसके बाद हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम कौन है? रॉजर बिन्नी जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।